सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी भी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 12:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 12:11 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:35 से 2:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 27 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, कार्य में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका दे सकती है। पिता जैसा कोई व्यक्ति बॉस या अन्य आपको यात्रा में कंपनी देंगे। कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ता है लेकिन नई संभावनाओं का मजा ले। आपके विश्वासों को चुनौती दी जा सकती है और सुधारा जा सकता है। आज आपको थोड़ी असंतुष्टि के साथ साथ अप्रसन्नता भी महसूस हो सकती है। आज आपको सही फैसला लेने की जरूरत है। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़े हुए दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सके। जरूरतमंद चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसा करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने जज्बात काबू में रखें। आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। किसी तीसरे इंसान का दखल आपके और आपके प्रिय के बीच विरोध पैदा करेगा। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। अनजान लोगों से बात करना ठीक है लेकिन उनकी विश्वसनीयता जाने बिना उनको अपने जीवन की बातें बताकर आप अपना वक्त ही जाया करेंगे और कुछ नहीं। आपके जीवन साथी की बेरुखी दिन भर आपको उदास रख सकती है। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेगी। अनुभवी और सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में भी निखार आएगा। कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है इसलिए प्रयासरत रहें। आध्यात्मिक बातों का प्रभाव स्वभाव में बदलाव लाता हुआ नजर आ रहा है। किसी नए व्यक्ति के साथ हुआ परिचय जीवन की कई बातों को समझने के लिए सही साबित होगा। प्रसन्नता रहने से कठिन कार्यों को आसानी से आगे बढ़ाना संभव होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त होगा। पार्टनर के कारण व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। शुगर से संबंधित बीमारी जटिल होने की संभावना बन रही है। आज किसी की बात को दिल पर ना लगाएं। नौकरी करने वाले को आर्थिक रूप से सक्षम बनने की आवश्यकता होगी। परिवार में जबरदस्त नतीजे हासिल होंगे। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास आपको अच्छे नतीजे प्रदान करेंगे। सावधानियां।
पारिवारिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण काम भी बीच में रुक सकते हैं। विद्यार्थियों तथा युवाओं का अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। आलस और थकान को हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती है। आपका उत्साह आज चरम सीमा पर है, जहां आप अपने साथी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। प्रेम संबंधों में मिठास भरने के लिए लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है। शिक्षा के साथी के भाई बहन आपका मार्गदर्शन और मदद करेंगे। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपको अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना है। आप दोनों एक दूसरे के दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सामना करते हैं। आपकी योजनाएं आपके जीवन साथी को अभी पसंद नहीं आएगी, किंतु जल्द ही वो आप पर विश्वास करेगा। आज का मंत्र यही है कि आशावादी बनिए। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें, जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की उपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराएं। बात करते हैं करियर की। पूंजीपतियों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, लेकिन अपनी बातों को उसके ऊपर ना थोपें। हालांकि आपको धन मिलने में देरी हो सकती है, परंतु यह धन आपको मिलने की उम्मीद है। आज आपके लिए करियर में परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए समय निकालना ना भूलें। आपकी सफलता और समृद्धि में आपके मालिक या अधिकारी भी सहयोगी हैं। आज अच्छे भाग्य और समय का आनंद लें। आप नकारात्मक महसूस कर सकते हैं, किंतु याद रखें, दुख भी जीवन का एक भाग है। स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लोग अभी आपका महत्व नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और अपने विचारों से प्रभावित करना होगा। पॉजिटिव सोचें, अच्छी संभावनाओं के बारे में जानें और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। व्यावसायिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें। व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती है। बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशा व्यक्ति फाइनेंस संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। बात करते हैं सेहत की। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें। आज का उपाय, आज बृहस्पति देव की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।